नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है एलेक्सा 4500 एम्पलीफायर के बारे में। मैं चलिए आपको पीछे से इसका मॉडल दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एलेक्सा 4500 एलेक्सा 4500, जो कि एक 4500 वाट का एम्पलीफायर है। चलिए इसके पावर आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 8 ओम्स पे हमें मिल जाता है 1000 वाट पर चैनल, और 4 ओम्स पे हमें मिल जाता है 1550 वाट पर चैनल, और 2 ओम्स पे दे देता है 2250 वाट पर चैनल। तो इस टाइप से इस पर आप स्पीकर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट करना कि आप इसमें कौन कौन से स्पीकर सिस्टम का यूज़ करते हैं और आपको क्वालिटी उसका कैसा मिला। तो आज हम बात करेंगे इसी एम्पलीफायर के बारे में, और आप में से बहुत से भाइयों ने कमेंट किया था इस एम्पलीफायर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि लो पास फिल्टर के बारे में, और साथ ही साथ इस पर हम कितने वाट का स्पीकर सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसी मैटर में। तो जैसा कि इसके आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इसके पावर आउटपुट के हिसाब से स्पीकर चॉइस करेंगे। जैसा कि 8 ओम्स पे हमें देता है ये एम्पलीफायर 1000 वाट पर चैनल, तो आप इस पर 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट का सिंगल स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं पर चैनल। बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको मिल जाएगा। वॉइस कॉइल कितना भी बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको इस पर मिल जाएगा। बात करें 4 ओम्स की, मतलब अगर आप इस पर 4 बेस चलाना चाहते हैं, तो आप इस पे 4 इंच वॉइस कॉइल वाले कोई सा भी बेस का यूज़ कर सकते हैं, फुल क्वालिटी मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आप इस पे 4 इंच के वॉइस कॉइल वाले 1000 वाट के 4 स्पीकर भी चलाएंगे, तो भी बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। और एम्पलीफायर जो है आपका 4 ओम्स पे 1550 वाट देता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 4 इंच के वॉइस कॉइल वाले इस पे 1000 वाट के 4 स्पीकर चला सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी आपको ये एम्पलीफायर दे देगा। पंच का भी कमी नहीं होगा, आराम से चला लेगा, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ और आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आपको इसमें रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इस पे 4 इंच के वॉइस कॉइल वाले 1000 वाट के 4 स्पीकर चलाना चाहते हैं, तो बेस्ट एम्पलीफायर रहेगा उसके लिए। तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और बात करें टॉप चलाने का, अगर आप इस पे टॉप चलाना चाहते हैं 2 टॉप पर चैनल, तो दोस्तों इस पे आप 800 वाट से लेकर के 900 वाट के 4 टॉप चला सकते हैं HF के साथ। कहने का मतलब ये है, इस पे आप 400 वाट से लेकर के 450 वाट के 8 स्पीकर चला सकते हैं, 4 स्पीकर पर चैनल, बेस्ट क्वालिटी रहेगा इस एम्पलीफायर पे। तो दोस्तों, ये था स्पीकर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया इस एम्पलीफायर पे आप कौन कौन से कितने वाट के स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका टॉप 1000 वाट का है, स्पीकर जो है 500 वाट का है, और अगर उसका वॉइस कॉइल जो है 3 इंच से लेकर के 3.5 इंच के वॉइस कॉइल वाला है, तो आप इस पे 4 स्पीकर एक ही जोन पे चला सकते हैं। 500 वाट है फिर भी चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीफायर बहुत ही पावरफुल है। तो 2 ओम्स पे स्टेबल भी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे चेक किया है, और मैं आगे इसका आउटिंग वीडियो लेकर के आऊँगा। जब मैं इसे डीजे में यूज़ करूँगा, तो इसका वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो इस पे आप 3.5 इंच वॉइस कॉइल वाले 500 वाट के भी स्पीकर चला सकते हैं, 4 पीस एक ही जोन पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इस पे 1000 वाट के 4 टॉप भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि इसे कौन से मोड पे यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इसे स्टेरियो मोनो किसी भी मोड में यूज़ कर सकते हैं, और ब्रिज मोड पे तो बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्रिज मोड पे काफ़ी बड़े स्पीकर का यूज़ किया जाता है इस पे। लेकिन मैं ब्रिज मोड के बारे में बात नहीं करूँगा, आप इसे स्टेरियो या मोनो मोड किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट आउटपुट आपको ये एम्पलीफायर दे देगा। आप में से कई भाई ऐसा एम्पलीफायर ढूंढते हैं जिसमें वो एक जोन पे बेस और दूसरे जोन पे टॉप चलाते हैं, तो इस प्रकार से आप इस एम्पलीफायर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बेस का वॉइस कॉइल जो है 4 इंच का है, तो आप इस पे 1000 वाट के 2 बेस एक ही जोन पे चला सकते हैं, बेस्ट आउटपुट दे देगा, पंच का कमी नहीं होगा। क्योंकि मैं इस एम्पलीफायर को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। और इस पे एक जोन पे आप 2 टॉप चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस कंडीशन में आप चलाएंगे, तो ध्यान रखना इसका लो पास फिल्टर जो है बेस के साइड वाला आप ऑफ ही रखिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप इसके एक जोन को लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे और दूसरे जोन का जो लो पास फिल्टर है वो ऑफ रहेगा, तो उस पर आपका फेस रिवर्सल प्रॉब्लम आता है, जिसके वजह से आपका बेस पीछे आता है, और ये सभी एम्पलीफायर में देखने को मिलता है। तो अगर आप इस पे एक जोन पे बेस चला रहे हैं और दूसरे जोन पे टॉप चला रहे हैं, तब के कंडीशन में आप इसके लो पास फिल्टर को ऑफ ही रखिए, जिससे आपका बेस पीछे नहीं आएगा, बेस सामने ही आएगा। नॉर्मल मोड में यूज़ करना है, कहने का मतलब यही था। अगर आप इस पे केवल बेस चला रहे हैं, मतलब इस जोन में भी बेस चलाएंगे और दूसरे जोन में भी बेस चला रहे हैं, तो आप लो पास फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप इस पे स्टेरियो मोड पे रखेंगे, तब आप इसे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक जोन पे आप बेस चला सकते हैं, दूसरे जोन पे आप टॉप चला सकते हैं, और लो पास फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर एम्पलीफायर मोनो मोड पे है, तो आप लो पास फिल्टर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक जोन पे टॉप लगा है और दूसरे जोन पे भी बेस लगा है। जब एम्पलीफायर मोनो मोड में रहता है, तो उस पर केवल एक ही चैनल में इनपुट किया जाता है, जिससे दोनों चैनल में आउटपुट चला जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप लो पास फिल्टर ऑन करेंगे, तो दोनों चैनल में अप्लाई हो जाएगा, और जो कि दूसरे जोन पे टॉप लगा रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में आप लो पास फिल्टर का यूज़ नहीं कर सकते। और स्टीरियो मोड पे चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, लो पास फिल्टर ऑन कर सकते हैं, दूसरे चैनल का लो पास फिल्टर ऑफ कर सकते हैं। लिमिटर को आप हमेशा ऑन रखें, इससे आपके स्पीकर कटने का चांस नहीं रहता।
तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको इसमें कौन कौन से स्पीकर चला सकते हैं उसके बारे में बताया, साथ ही साथ इसका लो पास फिल्टर यूज़ करने का तरीका बताया। और चलिए बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है एम्पलीफायर का आपको 43,000 से लेकर के 44,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा मार्केट में। आप आहूजा डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। तो दोस्तों ये था इसका साउंड टेस्टिंग। बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी मिल रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं LX4500 बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है। मैंने इस पे दो टॉप चलाया एक ही जोन पे और इसका फैन भी ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहेगा टू ऑन पे चलाने के लिए। वैसे मैंने इस पे टॉप का लोड जो है बहुत ही कम दिया है। एक टॉप मेरा जो है 500 वाट का है और दो टॉप मिला के 1000 वाट हो रहा है ओनली टू ऑन पे। और एम्पलीफायर हमें टू ऑन पे देता है 2250 वाट, मतलब 2250 वाट। तो इसके लिए काफ़ी कम लोड है, इसलिए इसका फैन भी ऑन नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने जितने भी सॉन्ग चलाए हैं पूरा चलाया है, लेकिन कॉपीराइट से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा उसे एडिट करके अपलोड किया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिला है इस एम्पलीफायर से। और चलिए हम एक और सॉन्ग भी प्ले करेंगे हिंदी सॉन्ग में। कोई भी एम्पलीफायर का क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, वहीं से यूज़ कर रहा हूँ। टॉप का क्वालिटी इसमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और मैंने नोटिस किया है बाकी एम्पलीफायर से इस एम्पलीफायर में जो हाइस है बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा है टॉप में, तो टॉप के लिए एम्पलीफायर बेस्ट है। चलिए कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इस एम्पलीफायर को टॉप के लिए फुल रिकमेंड करता हूँ। आप इस पे 800 से लेकर के 900 वाट के चार टॉप चलिए, बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एम्पलीफायर हिट भी नहीं होगा उतना ज़्यादा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम्पलीफायर का फैन भी ऑन नहीं हो रहा है कम लोड पर। तो ये 800-900 वाट के टॉप को आप रेगुलर 24 घंटे चलाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इस एम्पलीफायर पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस एम्पलीफायर के यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करना कि आप इसमें कौन कौन सा टॉप बेस या फिर कौन कौन से स्पीकर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। और साथ ही साथ ये भी शेयर कीजिएगा अगर आप इस पे बेस चलाते हैं तो कितने वाट का बेस चला रहे हैं, और अगर आप इस पे टॉप चलाते हैं तो कितने वाट का टॉप चला रहे हैं, कितने समय तक आपने इसे यूज़ किया है, तो पूरा डिटेल्स दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।